नमस्कार, रागगिरी के वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है और हम आपसे वादा करते रहे हैं कि हर वीकेंड पर आपको मिलाएंगे भारत के जाने माने कलाकारों से, बातचीत करेंगे उनके संगीत सफर के बारे में और समझेंगे उनकी संगीत साधना को। मेरे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको नजर आ रहे हैं पंडित विजय चंद्रा जी। और सबसे बड़ी खासियत पंडित जी की ये है कि हारमोन कीबोर्ड पर अगर आप क्लासिकल संगीत की बात करेंगे तो वो भारत के बड़े कलाकारों में शुमार है। और मेरा उनसे एक और अच्छा रिश्ता इस बात का है कि हम दोनों एक ही शहर के हैं, इलाहाबाद के ही हैं। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत तो इसी बात से करेंगे कि ये जो मुश्किल समय है, ये जो 2 साल से कोरोना का चल रहा है, इसमें संगीत कितना साथ दे रहा है आप लोग का, अपने आप को स्फूर्ति देने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए? मैं ये कहूंगा कोरोना काल में कि सिर्फ रियाज हो रहा है और कार्यक्रम तो सब बंद है, तो ये सभी कलाकारों के साथ ऐसा है कि ये कोरोना काल में सिर्फ रियाज ही किया जा रहा है, साधना किया जा रहा है, जिससे कि संगीत, हमारा संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत को वो बरकरार रहे, तो वो साधना रत है। पंडित जी, इस इंटरव्यू की सीरीज जो है उसमें हमारी हमेशा अपने जो कलाकार होते हैं उनसे विनम्र गुजारिश रहती है कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए किसी भजन से। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप कोई भजन हमें सुनाइए और उसके बाद फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बात है पंडित जी, और आपने तो इस खूबसूरत से भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो से एकदम समा बांध दिया। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो कीबोर्ड हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, एक पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट है, जिसका क्लासिकल म्यूजिक में जगह उसकी बहुत कम ही दिखती है। आपको आपके पुराने दिनों में ले जाता हूं, आपने कैसे ये प्रयोग सोचा था, आपने कैसे ये तय किया कि आप कीबोर्ड पर क्लासिकल बजाएंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बजाएंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत पहले तो कभी किसी ने बजाया नहीं था। मैंने एक बार देखा था अदनान जी को बजाते हुए क्लासिकल पाकिस्तान के उसमें चैनल में वीडियो हमने देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये बजाते हैं ये, और फिर हम क्यों नहीं बजा सकते। फिर मैंने उसको साधना किया, फिर बाद में रागदारी हमने सीखा अपने गुरु माँ से, फिर उसको फिर एडॉप्ट किया अपने कीबोर्ड में कैसे बज सकता है। तो कीबोर्ड का बेसिक टोन क्या होता है, बेसिक टोन एक पियानो, मेटेलिक पियानो होता है, उसमें मैंने उसको एडॉप्ट किया, मैंने फिर उसको साधना किया, मैं उसको
वो बजाया, फिर उस राग को उसने फिट किया, फिर मैंने बजाना शुरू किया। ये भी समझना चाहेंगे, आपने अपने गुरु जी गुरु माँ का जिक्र किया, तो थोड़ा सा अपने गुरुओं के बारे में बताइए, क्योंकि ये सोच, इस सोच को, एक तो आपने सोचा कि आप कीबोर्ड में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बजाएंगे, लेकिन इसको संभव किया आपकी शिक्षा ने, वो गुरुओं के बारे में भी बताइए हमें। हमारे गुरु जी गुरु माँ हैं, वो एक्सपायर हो गई, मतलब वो पहले हमसे बोली कि अब कैसे बजाओगे, इसमें तो बजता नहीं है। तो हमने कहा कि गुरु माँ देखिए, मेरा तो काम है प्रयास करना और मैं प्रयास करूँगा, बस हमको आप सिखाइए। और मैं रागदारी, क्योंकि बजाना तो आता ही था, मगर उसको राग को बजाना कैसे, पेश करना, रागदारी कैसे करना है, तो ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट जो है तो तंत्रवाद में आता है, कीबोर्ड। तो तंत्रवाद में ही पियानो को ही हमने उसको वो किया, पियानो में ही बजाया हमने, फिर हमने राग को हमने उसको प्ले किया। उन्होंने बताया कि ये राग ऐसे है, इस राग को ऐसे बजाना है, इस राग को अलाप जोड़ झाला, सारा सिस्टम को फिर हमने उसको सीखा, फिर उसमें बजाना शुरू किया, फिर उसको साधना किया। फिर साधना करने के बाद 2-3 साल बाद, तब फिर बाद में मैंने फिर परफॉर्म करना चालू किया, ये रहा है। अच्छा पंडित जी, चूंकि हम लोग अब इस वक्त शास्त्रीय राग की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक शास्त्रीय राग सुन भी लिया जाए इस इंस्ट्रूमेंट पर। तो कीबोर्ड पर हमें कौन जरूर सा जरूर, शास्त्रीय राग आप सुनाने जा रहे हैं? मैं एक अब होगी मैं पेश करूंगा, 2-3 ताल में, 2-3 मिनट आप सामने पेश करूंगा, अब होगी राग, अब होगी। बात है, और ये फर्क है कीबोर्ड पर अगर आप क्लासिकल राग सुन रहे हैं, तो जो उसका उसकी जो पूरी साधना है उसको भी समझना समझना चाहिए हम सभी को। मुझे ये भी बताइए पंडित जी कि ये इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब आप लोगों से बताते हैं, कलाकारों की जो फ्रेटिनिटी है, जो समूह समूह है कलाकारों का, समाज जो है कलाकारों को, उसमें जब आप जाके कहते हैं कि मैं कीबोर्ड पे क्लासिकल म्यूजिक बजाता हूं, तो किस तरह का रिएक्शन, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं आपको?
आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि जो लोग नहीं सुने हैं, जो अपने शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, जो लोग नहीं जानते, तो वो लोग को तवज्जो नहीं देते थे। तो ये परेशानियां शुरू में हुई कि जब तक उन्होंने सुना नहीं, तब तक वो उसको वो मतलब मान्यता नहीं दी, उसको मतलब महत्व नहीं दिया उन्होंने। जब उन्होंने सुना तब उन्होंने कहा कि भाई इस पे ये भी काम हो सकता है, ये भी अच्छी बात है जो आपने साधना किया है, जो आपने कीबोर्ड पे क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत को आपने अपनाया, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये उन्होंने फिर बाद में प्रशंसा किया। उसी तरह हमारे इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति में ये मतलब नहीं था सब्जेक्ट में, इसकी डिग्री नहीं थी, तो मैंने प्रयास किया इसकी डिग्री भी मिलना चाहिए, तो मैंने प्रभाकर की डिग्री मिल रही है 2010 से, वो मैंने करवाया। इसमें राग बजते हैं, सारा योगदान है आपका, ये बड़ा योगदान माना जाना चाहिए आपका संगीत में। लेकिन जो लोग चौंक जाते थे या नकारते थे कि कीबोर्ड पर क्लासिकल म्यूजिक या थोड़ा नाक भौं सिकोड़ते थे, उनको ये पता होना चाहिए कि आपने भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी तमाम कार्यक्रम किए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं गया था वो कंबोडिया, तो वहां पे मैंने वो मंदिर है, वहां मंदिर में इस्कॉन मंदिर होता है, तो इस्कॉन मंदिर में हर 100 किलोमीटर के रेंज में मंदिर होता है, तो उस मंदिर में क्लासिकल अपने इंडियन शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है और भजन भी लोग वहाँ के लोग सुनते हैं। तो वो मैंने वहाँ पर बजाया, 2 महीने रहे वहाँ पे, फिर बैंकॉक गए, बैंकॉक से फिर मलेशिया गए। तो ऐसे मंदिरों में ही वहाँ पे जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो हर जगह हमको लेके जाते थे मंदिर में शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए। तो वहाँ के जितने कुछ जो फॉरनर जो सुनते थे, जो बाहर से आते थे, जर्मनी से आते थे और USA से आते थे, तो वो लोग जो सुनते थे वो हैरत होते थे कि भाई ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड पर क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनते थे और बड़े अप्रिशिएट करते थे कि ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब आपने अच्छा प्रस्तुति दिया, ऐसे करके वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे वो लोग। तो वो लोग सुनते थे, तो फिर वो ऐसे कई जगह हमने 2-3 कंट्री में हमने परफॉर्म किया, तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि इस साज पे भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है। तो मैंने वो किया, बजाया। नहीं, आपने वाकई एक लीक से अलग हटकर काम किया है। पंडित जी, अब गुजारिश करूंगा कि जब शास्त्रीय संगीत बचता है कीबोर्ड पर, तो निश्चित तौर पर उप शास्त्रीय संगीत तो बचता ही बचता है, तो कोई ना कोई कोई रचना सेमी क्लासिकल की हो जाए। Thank you.
भजन हो गया, क्लासिकल राग भी हमने सुना, सेमी क्लासिकल भी सुना, लेकिन आप थोड़ा सा समझाइए मुझे पंडित जी कि ये जब हम कहते हैं कि कीबोर्ड में क्लासिकल म्यूजिक, तो ये कितना हाँ. अलग है, मतलब जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य हैं उनसे अगर आप मोटा मोटा एक दो फर्क बता सकें कि क्या अलग है, क्या कीबोर्ड से क्लासिकल बजाने में क्या अलग होता है, तो बहुत अच्छा होगा. अलग तो ये होता है, जैसे लोग कहते हैं कि इसमें मीड़ गमक नहीं है, तो वो इस वजह से अलग हो जाता है. तो अब जैसे संतूर, हमारे जो अपने भारतीय साज है संतूर और जलतरंग, उसमें भी मीड़ गमक नहीं होता है, तो उसी तरह ये कीबोर्ड भी होता है. तो मगर अब जो है सब वो मीड़ गमक भी किया जा सकता है, तो मैं आपको मीड़ गमक भी आपको वो करके सुना सकता हूँ. तो अब सब संभव है कीबोर्ड में, तो ऐसे से वो मॉडल्स, ऐसे से कीबोर्ड में प्रोसीजर आ गया है कि आप मीड़ गमक भी पेश कर सकते हैं. तो इसलिए ये अलग अपने भारतीय साज से अलग करता था मीड़ गमक न होने का, अब तो सब आ गया है, इसलिए सारी चीजें इसमें अब है. एक चीज और समझना चाहूंगा इस इंटरव्यू के अंत में, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. जो नई जनरेशन के बच्चे हैं इलाहाबाद में या इलाहाबाद के बाहर से भी, जो म्यूजिक में रुझान है जिनका, क्या वो सीख रहे हैं इस वाद्य यंत्र पे यानी कीबोर्ड पे क्लासिकल बजाना सीख रहे हैं वो, या अभी भी उससे थोड़ा सा लोग बचते हैं कि नहीं नहीं यार ये रिस्क कौन लेगा? हाँ, अब थोड़ा सा ये यहाँ पे परिवर्तन ये हुआ है कि जमाने के हिसाब से लोग सोचते हैं ज्यादा मेहनत न करना पड़े, ज्यादा साधना न करना पड़े, तो बच्चे थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा वो कतराते हैं कि भाई हमको सीखना तो है ही है, मगर सीख कर हमको फिल्मी गाना बजाना, ज्यादातर वो लोग. मगर हम उनको समझाते हैं कि देखिए क्लासिकल जो बजाना एक अलग चीज है, फिल्मी गाना बजाना अलग चीज है. तो अब जो लोग शौक रखते हैं शास्त्रीय संगीत का, बिना डिग्री का कोई कुछ नहीं हो सकता, तो डिग्री लेने के लिए तो क्लासिकल तो सीखना ही पड़ेगा. तो बच्चे जो डिग्री लेने के लिए तो क्लासिकल सीखते हैं, फिर कुछ बच्चे हैं तो बजाते भी हैं, और कुछ लोग तो फिल्मी गाना बजाने लगते हैं बच्चे. तो वो तो मैं उन बच्चों को कहता भी हूँ भाई शास्त्रीय संगीत तो जो है, हमने तो सारा चीज छोड़कर मैं सिर्फ क्लासिकल ही बजाता हूँ, जागरण ऑर्केस्ट्रा में मैं नहीं बजाता हूँ. तो मैं 20 साल से मैं सिर्फ क्लासिकल बजाता हूँ और साधनारत हूँ और रोज रियाज करता रहता हूँ. बस ये होता है कि बस अब कोरोना काल में इसलिए सब 1.5 साल से बंद है, तो अब जब शुरू होगा तो आप लोग प्यार मिलेगा, आपका बीच मतलब फिर से शुरू होगा. इस इंटरव्यू के अंत में एक गुजारिश आखिर आपसे यही करूंगा कि कोई एक गजल भी छेड़िए अपने इस इंस्ट्रूमेंट पर, ताकि शुरुआत भजन से हुई थी और अंत गजल से हो. जरूर जरूर, मैं गजल में पेश करूंगा. तो अब मैं कौन सा गजल सुनाऊं, जगजीत सिंह सुनाऊं या गुलाम अली की सुनाऊं? जो आपकी पसंदीदा हो वो गजल सुनाइए. ओके, तो मैं जगजीत सिंह का गजल मैं पेश कर देता हूँ.
वाह क्या बात है, ये गजल के भी रंग बहुत ही हसीन थे और बहुत ही खुशनुमा मोड़ पर हम इस बातचीत को खत्म कर रहे हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भजन से लेके और राग से लेके सब कुछ इतने छोटी से समय में आपने हमें सुनाकर दिखा दिया। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी कि आपकी जो ये एक अलग सोच है वो सोच और मजबूत हो, आपको बहुत सारी इस तरह की लोगों में जो ये पहचान का संकट शुरू में था वो संकट दूर हो और लोग इस बात को समझ पाए कि कीबोर्ड पर भी शास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।